तो इस्लाम से मना किया कि खाओ पियो इस्तेमाल करो, अल्लाह की नेमतें हैं तुम्हारे लिए हैं, लेकिन क्या करो, कहीं इस्लाम मत करो। अल्लाह को इस्लाम करने वाले पसंद नहीं है, तो इस्लाम होता है। फिर इस्लाम में इस्लाह नहीं हुई तो उससे आगे जाती है, जैसे वहां इंसाफ से एहसान पर गया था कि इस्लाम से आगे क्या, कि इस्लाम से आगे माल में तबजीर होती है। तबजीर के माना यह है कि बगैर जरूरत के खर्च करना शौक है, कोई जरूरत नहीं है, कोई हाजत नहीं है, तो फिर क्या है ये शौक, मुबज़िर शौक है, कोई जरूरत नहीं है, वह लगा रहे हैं, शौक है। तो फरमाया कि इस तरह माल खर्च करने वाले जो हैं वो शैतान के भाई हैं, और शैतान अल्लाह का नाशुक्रा है। वो हदीसों में है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो शैतान ने अपने आदमियों को भेजा कि देखो कुछ हुआ है जमीन में, पता लगाओ। तो पता लगा कर आए कि एक नबी है, वो पैदा हुए हैं, वो नबी भी होंगे, उसकी उम्मत भी होगी, और वो इस तरह काम करेंगे। तो मुख्तसर शैतान ने कहा कोई बात नहीं, नबी को होने दो और उनकी उम्मत को भी होने दो, काम भी करने दो, मैं भी करूंगा। पूछा आप क्या करेंगे, कि मैं ये करूंगा कि ये नबी जहां लगाने को कहेगा मैं उसके मुकाबिल का दूसरा रास्ता बताऊंगा कि यहां नहीं लगाना है, यहां लगाना है। तो ये अपनी जानी माली ताकतें बजाय नबी के रास्ते पर लगाने के दूसरे रास्ते पर लगाएंगे, तो ये मंजिल को फिर नहीं पहुंचेंगे, ये फिसल जाएंगे। ये मुकाबिल की बात, इसलिए कहा कि इस तरह माल को जाया करने वाले शैतान के भाई हैं, और शैतान खुदा का नाशुक्रा है। इसको तबजीर कहते हैं, बगैर जरूरत शौक है, शो करना है। हाँ, इससे आगे माल का क्या होगा, कि इससे आगे जो माल जाएगा तबजीर से की बला से ज्यादा शक बला, कि फिर माल से अय्याशी आती है। उसको कुरान ने मुतरिफ कहा है, अय्याश लोग, बस अय्याशी है माल की वजह से। क्या हक है, क्या बातिल है, क्या दुनिया, क्या है, कुछ नहीं, अय्याशी। एक तबका हो जाता है माल की वजह से अय्याश। आम तौर पर नबियों की मुखालिफत इन्हीं अय्याश लोगों ने की है उनके जमाने में, क्योंकि वो अय्याश लोग हैं, माल की वजह छके हुए हैं माल में। हाँ, तो वो अय्याश नबियों की मुखालिफत इन्होंने की है। बमा अरसलना फी क़रियति मिन नबीयिन इल्ला क़ाला मुतरफूहा इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफिरून, कि जब हमने किसी बस्ती में रसूल भेजा तो वहां के अय्याशों ने यह कहा कि तुम्हारी दावत से हमको इनकार है। यह अय्याशी माल ने यह पैदा किया है, और हमें माल ने यह रहबरी की है माल के रास्ते से, कि इंसाफ करो, एहसान करो, इशार करो, कि माल इसीलिए है। तो मैं इस पर मेरी बात चली थी आगे कि माल और इलम यह हसद पैदा करता है। आपको याद आ गई होगी या भूल गए होंगे, तो वो यहूदी ने कहा था कि मेरी कौम हसद करेगी, तुम नबी के साथ हसद मत करना, तुम ताबेदार हो जाना, लड़ना नहीं, हसद करेगी, और हसद की वजह उनका इल्म है। फरेहु बेमा वो तो मेरा इल्म, कि उनको जो इलम मिला उस पर वो इतराने लगे, अकड़ने लगे कि हमारे पास इलम है। तो मैंने कहा माल और इल्म ये दोनों बड़ाई पैदा करते हैं अगर सही तरबियत ना हो। जी हाँ, तो ये अपने अंदर अकड़ पैदा करते हैं, और माल हक बात समझने नहीं देता। जी हाँ, माल की मोहब्बत में वो हक बात नहीं समझता। हाँ, उसको माल की मोहब्बत आड़े आती है, और माल दिया है कुर्बानी के लिए, किसके लिए, कि हक पर माल लगाओ। हाँ, हक पर माल लगाओ। हाँ, और जितना तुम खर्च करोगे इससे ज्यादा अल्लाह खर्च करेगा तुम्हारे ऊपर। फरमाते अनफिक युनफक अलैक, तू खर्च कर खुदा तुझ पर खर्च करेगा।
तू लॉक भला तू की तू लॉक ना लगा, नहीं तो अल्लाह भी लॉक लगाएगा। ये हुक्म दिया है यहां, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से कोई फकीर नहीं होगा। अल्लाह के रास्ते में खर्च करते फकीर हो गए, कैसा नहीं होगा? अल्लाह उसको बड़ा चढ़ा करके देंगे, बरकत भी देंगे, बदला भी देंगे। हुक्म तो ये था, लेकिन माल हक बात समझने नहीं देता। इस तरह इल्म भी, इल्म भी अगर इल्म से बड़ा ही आई है कि मैं जानता हूं मुझे मालूम है, बड़ा ही आई, इल्म बड़ा ही पैदा करता है। इसलिए कहते हैं कि इल्म भी लो और अपने से बड़ों की सोहबत में रहो ताकि छोटे बनो। हाँ, सोहबत इख्तियार करो अच्छों की, नेक लोगों की, उनसे तरबियत हासिल करो ताकि इलम बड़ाई ना पैदा करे। जैसे माल बड़ाई पैदा करता है, ये इलम बड़ाई पैदा करेगा। हसद होता है बड़ाई की वजह से कि मैं तो हूं, ये कहां आ गया, मैं यहां काम कर रहा था, मैं जिम्मेदार था, अब ये कहां से आ गया, ये हसद पैदा हुआ। इखलास नहीं है, इखलास नहीं होता है तो हसद होता है, और इखलास होता है तो खुश हो जावे कि मैं अकेला था, अल्लाह ने ये भेज दिया, मेरी मदद के लिए आ गया, अब ये मेरा मददगार होगा, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। और नहीं तो हसद होता है, ये कहाँ आ गया, मैं तो था यहाँ। तो इल्म ने हसद, तो उस यहूदी ने कहा मेरी कौम ये जानते हुए कि ये नबी है, पूरी तरह वो पहचानते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और ऐसा पहचानते थे जैसा आदमी अपने बेटे को पहचानता है। ये अल्लाह ने खबर दी कि ये आपको ऐसे पहचान लेते हैं देखते ही, क्योंकि उनकी किताबों में सारी बात आई है। तो जैसे आदमी अपने बेटे को पहचान लेता है ऐसा ही पहचान लेते हैं, उनको कोई तरद्दुद रहता नहीं है, लेकिन उनके अंदर की बड़ाई जो है वो हक बात मानने नहीं देती। हाँ, इसलिए मेहनत मुजाहदा जरूरी है ताकि आदमी अपने आप को छोटा बनावे। क्या बनावे? छोटा बनावे। फिर अल्लाह की रहमतें उतरेगी। छोटा आदमी होता है, छोटा बच्चा तो आप उसके सर पर हाथ फेरते हैं, छोटा है, शफकत करते हैं, रहमत करते हैं छोटा। हाँ, तो आदमी छोटा बना तो अल्लाह की रहमतें आवेगी, दीन पर चलना आसान हो जाएगा। और बड़ा ही आई तो कि बड़ा ही आई तो हक कबूल करना मुश्किल। इसलिए मेहनत मुजाहदा कराया जाता है, अच्छों की सोहबत, अच्छा माहौल, कि बड़ाई ना आवे। तो उनमें बड़ाई आई थी इल्म की वजह से, इसलिए उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हसद किया।